नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। पुरानी दिल्ली में मंगलवार को दिल्ली का तीसरा लाइट हाउस स्किल सेंटर खोला गया, जहां युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मटिया महल में स्थित इस सेंटर का उद्घाटन किया। कालासी व मलकागंज में ऐसे ही लाइट हाउस सेंटर चल रहे हैं, जहां 3000 युवा स्किल ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ स्किल और रोजगार देना है। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की है, लेकिन देश में डर का माहौल है, इसलिए उद्योगपति यहां कारोबार करने के पक्ष में नहीं, जिससे रोजगार के अवसरों की कमी हो रही। आंकड़े कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से लगभग 12 लाख उद्योगपतियों ने भारत छोड़ दिया। हमारी सरकार ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। डर का माहौल होने के बावजूद हम रोजगार के अवसरों के लिए जितना संभव होगा उतना करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए लाइट हाउस स्किल सेंटर का निर्माण किया गया है। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि आज यहां पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। दिल्ली सरकार जब से हमारी सरकार बनी है, अब 7-8 साल हो गए, शिक्षा पे हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। यहाँ पे आपके बगल में भी एक बहुत शानदार स्कूल बना कि नहीं बना? बहुत शानदार स्कूल बना, जो पहले खंडर हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल बन गया है। पूरी दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जिनमें जाया करते थे, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब सारे सरकारी स्कूल एक एक करके शानदार बना दिए। आप लोगों ने विश्वास करके हमें एमसीडी में भी जिताया, अब एमसीडी के भी स्कूल शानदार बनाएंगे, एमसीडी के स्कूलों को भी ठीक करने का काम शुरू किया है। तो शिक्षा पे हमने बहुत जोर दिया। अब सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट से भी नाम कटा के लोग अपने बच्चों को भर्ती करा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा किस बात की? भाई, शिक्षा सबसे पहले तो आदमी ये सोचता है ना, पढ़ लिख के अपने परिवार को पालने लायक मैं पैसे कमा पाऊंगा, चाहे अपना रोजगार करूंगा, चाहे नौकरी करूंगा, इतना कमा लूंगा कि घर चल जाए। लेकिन अगर पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा, मेरे हिसाब से तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय, देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है, अब यहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहां रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहां रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करने हैं। उस परिपेक्ष में मैं बेहद खुश हूं कि आज ये लाइट हाउस स्किल सेंटर आप लोगों के इलाके के अंदर बना है। मुझे बताया गया ये पहले भूत बंगला होता था, थोड़े दिन पहले इस भूत बंगले को आज इतना शानदार, इतना खूबसूरत, सुंदर बनाया गया, जहां से अब आपके बच्चों को, युवाओं को, इस इलाके के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला करेगा। दिल्ली में ये तीसरा लाइट हाउस बना है।
एक पहले इसके पहले मलकागंज में बन चुका, एक कालकाजी में बन चुका, और मलकागंज में और कालकाजी में पिछले साल मार्च में बना था। वहां पे 3000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से एक